नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर हम आए हैं जीवन के पांच नियम। जीवन के पांच नियम हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। शौच क्या है समझिए पहले। शौच का तात्पर्य है स्वच्छता से। स्वच्छता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है और दूसरा होता है बाह्य, यानी बाहरी। शारीरिक स्वच्छता के लिए प्रतिदिन आप स्नान करते हैं और शरीर की सफाई करते हैं, क्योंकि शरीर ही सभी कार्यों का कारण है। मन की स्वच्छता भी आवश्यक होती है, क्योंकि जितना प्रभाव वास्तविक कृतित्व का होता है उससे कहीं अधिक प्रभाव विचार करने से होता है। विचारों तथा कार्यों में सफाई आवश्यक है। उसके बाद है संतोष। प्राप्त वस्तुओं से, मतलब कि जो आपको प्राप्त है, प्राप्त वस्तुओं से अधिक की अभिलाषा नहीं करना संतोष कहलाता है। संतोष का गुण आ जाने पर व्यक्ति को हर प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है। मन एकाग्र रहता है तथा चित्त तृप्त अवस्था में विचरण करता है। यह शांति की ओर अधिक रहता है, लेकिन संतोष का तात्पर्य विकास तथा वृद्धि न करना नहीं है। यह अकर्मण्यता नहीं है सिखाता है, बल्कि आगे बढ़ने के मार्ग प्रस्तुत करता है और ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय का तात्पर्य है धर्म और ग्रंथों का अध्ययन करना तथा स्वयं को पहचानने का प्रयत्न करना। एक ऐसा साथी जो सुख दुख में व्यक्ति के सामान्य बनाए रखता है, स्वाध्याय कहलाता है। तप क्या है? इंद्रियों को बस में रखना ही तप है। इंद्रियों की बस में रखना ही तप है। दृंद सहन करना तप है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सभी स्थितियों में समान रहना ही तप है। तप को तीन भागों में बांटा जा सकता है, ज्ञानेंद्रियों को तप, कर्मेंद्रियों का तप एवं मानसिक विचारों का तप। अब हम बात करेंगे ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान का तात्पर्य है ईश्वर ही सत्ता में पूर्ण विश्वास करना, माने कि ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करना। दोस्तों, यदि आपको हम जो ये जीवन के पांच नियम बताए हैं, यदि आप ऐसे करते हैं तो समझिए कि जीवन जो है आपका सफल हो जाएगा। ये पांच चीज़ें जो है प्रत्येक इंसान के अंदर जो है होना चाहिए। योग सीखे और बीमारियों से दूर। योग करने से पित्त, वात और कफ की समस्या जो है कभी नहीं होता है। देखिए, शौच मतलब बाहर से स्नान आप करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, उस तरह से अंदर भी शौच दो तरह के हो जाता है आपका। संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान बहुत ही ज़रूरी है और योग करना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।